नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल DS गुरुजी ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे, जो आपको आने वाली आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर एक, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था 22 दिसंबर 1953। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन स, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ है? 22 दिसंबर 1953 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। तो यहां पर आपका ऑप्शन ऐसा ही होगा। और याद रहे, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 22 दिसंबर 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीन, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ है 22 दिसंबर 1953 को। और राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 30 दिसंबर 1953 को। तो यहां पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चार, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट का आधार क्या था? यानी जो राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, उसका आधार क्या लिया गया था? तो उसका आधार लिया गया था राष्ट्रीय एकता। यानी जिस भी नए राज्य का गठन किया जाए, तो उसकी राष्ट्रीय एकता, मतलब देश की राष्ट्रीय एकता बनी रहनी चाहिए। राष्ट्रीय एकता को किसी प्रकार से कोई प्रयोग नहीं आनी चाहिए। ऑप्शन ब, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था। ऑप्शन द, आर्थिक विकास और अल्पसंख्यक हितों की रक्षा। तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो रिपोर्ट अपनी पेश की थी, तो उसमें ये सभी आधार ली गई थी। तो यहां पर आपका ऑप्शन द सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पांच, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर छह, 1 नवंबर 1956 को भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे? तो 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। और वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो याद रहे, 1 नवंबर 1956 को भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बंबई राज्य को विभाजित करके गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का गठन कब किया गया? तो बंबई राज्य को, देखो पहले बंबई राज्य था, बंबई राज्य को विभाजित करके गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का गठन 1960 में किया गया। तो यहां पर आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 1 नवंबर 1966 को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मेघालय, मणिपुरी, त्रिपुरा राज्यों को कब राज्य बनाया गया था? तो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा को राज्य कब बनाया गया? 1972 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन नहीं कब किया गया था? तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य है और इसका गठन किया गया था 1953 में। तो यहां पर आपका ऑप्शन ऐसा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया है, केंद्र शासित राज्य अरुणाचल प्रदेश और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो अरुणाचल प्रदेश और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 1987। तो यहां पर आपका ऑप्शन द सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया है, मिजोरम का गठन कब किया गया था? तो मिजोरम राज्य का गठन किया गया था 1987 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया था? तो तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था 2 जून 2014 को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो याद रहे, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2 जून 2014 को। लेकिन अब जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर उसमें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। दो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष से सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया है? 1975 में। तो यहां पर आपका ऑप्शन ऐसा ही होगा। याद रहे, सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला है? 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, इन तीनों का गठन कब हुआ था? 2000 में। तो झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बना? तो यह बना था 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो यहां पर आपका ऑप्शन द सही हो जाएगा। 1975 में सिक्किम को जब राज्य का दर्जा दिया गया, तो ये याद रखना, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। गोवा को पुर्तगालिया से कब आजाद कराया गया था? तो गोवा को पुर्तगालिया से आजाद कराया गया था 1961 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन द। अब बात करें, गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराया गया 1961 में, और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 1987 में। तो यह भी याद रखना कि इसको पुर्तगालियों से आजाद कब कराया गया? 1961 में। और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1987 में। दोनों में डिफरेंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। भारत में एक राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। तो भारत में एक राज्य की सीमा में परिवर्तन अनुच्छेद 3 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन द सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। नए प्रदेश के सर्जन एवं उसकी सीमा निर्धारित का अधिकार है। तो इसका अधिकार संसद के पास है। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? तो हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तो याद रहे, धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1971 में। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना। धन्यवाद साथी।